सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल स्पोकन मास्टर। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, वो है दोस्तों हमारा नाउन, जिसे हिंदी में हम संज्ञा कहते हैं। नाउन, इसकी डेफिनेशन और इसके टाइप्स के कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि दोस्तों हम इंग्लिश सीख रहे हैं तो इसीलिए हमें नाउन के बारे में भी जानकारी होना चाहिए। मैंने एक पार्ट्स ऑफ स्पीच पर एक स्पेशल वीडियो बनाया था, जिसमें हमने सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में एक ओवरव्यू लिया था, और इस ओवरव्यू के बाद आज हम वन बाय वन सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच पर एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे। तो उनमें से ये पहला वीडियो है जिसमें हम आज नाउन के बारे में चर्चा करेंगे, उसकी डेफिनेशन और टाइप्स। इस वीडियो में दोस्तों आपको कुछ खास बातें जानने को मिलेंगी, वो है दोस्तों जैसे टीम। दोस्तों एक टीम क्या होता है, किसी ग्रुप मतलब कोई आदमियों का समूह, जिसे हम टीम कहते हैं, सीधी सी बात। तो टीम दोस्तों, टीम के साथ हम इस का भी यूज़ करते हैं और आर का भी यूज़ करते हैं, लेकिन कब करते हैं दोस्तों ये हम इस आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। और देखिए, ये इंडिया है दोस्तों, इंडिया क्या है, एक कंट्री है। इंडिया के साथ में दोस्तों हम हैज का भी यूज़ करते हैं और हैव का भी यूज़ करते हैं, लेकिन कब करते हैं वो आगे हम इस वीडियो में देखेंगे। देखिए नेक्स्ट, मनी। और मनी दोस्तों, मनी काउंटेबल है या अनकाउंटेबल, मीन्स पैसे को गिना जा सकता है या फिर नहीं गिना जा सकता है। आप कहेंगे कि पैसे को गिना जाता है, लेकिन दोस्तों हम पैसे को नहीं गिन सकते, वो भी ये बात भी हम इस आगे वीडियो में जानेंगे। देखिए नेक्स्ट, स्टार। स्टार दोस्तों गणनीय है या अनगणनीय, स्टार्स को गिना जा सकता है या फिर नहीं गिना जा सकता। तो आप कहेंगे कि नहीं गिना जा सकता, किसने कहा दोस्तों, स्टार को गिना जा सकता है लेकिन हम नहीं गिन पाते, सीधी सी बात। ठीक, तो स्टार्स काउंटेबल नाउन है। नेक्स्ट देखिए, मैथ। जो मैथ सब्जेक्ट होता है आपका, जो मैथ सब्जेक्ट है दोस्तों, ये कौन सा नाउन है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, या फिर कौन सा नाउन है ये मैथ्स, ये भी हम इस आगे वीडियो में जानेंगे। साइंस भी उसी श्रेणी से कि कौन सा नाउन है, साइंस सब्जेक्ट दो है, साइंस मैथ्स, ये कौन से सब्जेक्ट, ये कौन से नाउन है दोस्तों, इस वीडियो में आगे जानेंगे हम। नेक्स्ट पीपल। आपने दोस्तों सुना होगा पीपल, क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि पीपल के साथ में एस लगता है, पीपल्स नहीं ना, लेकिन हाँ दोस्तों पीपल के साथ में भी एस लगता है, पीपल के साथ में भी एस लगता है, क्योंकि दोस्तों पीपल जो है वो खुद ग्रुप लोगों का समूह है। देखिए लोग वहाँ खड़े हैं, पीपल आर स्टैंडिंग देयर, पीपल आर स्टैंडिंग देयर, लेकिन दोस्तों ये जो पीपल्स है ये भी दर्शाता है लोगों के समूहों को, लेकिन कब, ये आगे वीडियो में हम बात करेंगे इस टॉपिक पर। तो दोस्तों आपको स्पीकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी बातें जानना बहुत ही ज़रूरी है, ये एक गुड टू नो इन्फॉर्मेशन है। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं और वन बाय वन जो नाउन है उसके सारे टाइप्स देखेंगे, नाउन की डेफिनेशन देखेंगे, और आशा करता हूँ दोस्तों कि जो आने वाले नाउन के टाइप्स है वो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आएंगे, क्योंकि मैं इन्हें एकदम साधारण सी भाषा में आपको समझाऊँगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों हम बात करते हैं नाउन की, और नाउन की डेफिनेशन की और उसके टाइप्स की। तो सबसे पहले हम नाउन की डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस, पर्सन और थिंग। तो ये नाउन की डेफिनेशन है, किसी भी वस्तु, व्यक्ति, जगह के नाम को हम नाउन कहते हैं। ये देखिए अब आता है टाइप्स के बारे में, नाउन के कितने प्रकार होते हैं, नाउन के प्रकार के बारे में हम वन बाय वन चर्चा करेंगे। सबसे पहला इसका टाइप है दोस्तों प्रॉपर नाउन, और इस प्रॉपर नाउन का हिंदी में मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो प्रॉपर नाउन है इसका हिंदी मतलब होता है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। इस व्यक्तिवाचक संज्ञा की डेफिनेशन देखिए, प्रॉपर नाउन किसी भी स्पेसिफिक प्राणी, जगह, वस्तु का नाम, किसी भी स्पेसिफिक। देखिए यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, राम। राम क्या है दोस्तों, एक लड़के का नाम है। राम क्या है, एक लड़के का नाम, वो एक स्पेसिफिक पर्सन है कि राम। तो राम क्या है, एक लड़का, तो उसका नाम, उस लड़के का नाम क्या है, उस लड़के का नाम राम। तो राम एक स्पेसिफिक पर्सन है। नेक्स्ट ताजमहल। ताजमहल क्या है दोस्तों, एक मॉन्यूमेंट। क्या है, मॉन्यूमेंट, मॉन्यूमेंट मतलब स्मारक। तो ताजमहल क्या है दोस्तों, एक स्मारक है, एक मॉन्यूमेंट का नाम है क्या, ताजमहल। तो ताजमहल क्या है दोस्तों, प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट ऊषा फैन।
उषा फैन, फैन है दोस्तों, लेकिन फैन में भी एक स्पेसिफिक फैन है। कौन सा फैन है? उषा फैन। तो ये पंखे का नाम है, पंखे की कंपनी का नाम है उषा फैन। तो ये भी क्या हो गया दोस्तों, एक स्पेसिफिक नाम। तो ये भी क्या हो गया हमारा, प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट साइनो पेन, पेन तो है लेकिन कौन सा पेन है, एक स्पेसिफिक पेन है साइनो पेन, मतलब ये साइनो का पेन है। तो ये एक स्पेसिफिक कंपनी का नाम है पेन की, तो साइनो पेन, ये भी हमारा क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट राम प्यारी, राम प्यारी दोस्तों मेरी गाय का नाम है राम प्यारी, तो वो भी एक स्पेसिफिक एनिमल है, उसका नाम है राम प्यारी। तो राम प्यारी क्या हो गया दोस्तों, एक प्रॉपर नाउन हो गया। इसी तरह किसी लड़की का नाम, जैसे मोनिका, ये भी क्या हो गया दोस्तों, एक स्पेसिफिक नाम है किसी लड़की का, तो मोनिका भी क्या हो गया आपका, प्रॉपर नाउन। तो ये रहे कुछ प्रॉपर नाउन के एग्जांपल्स। इसी तरह से हम कई सारे एग्जांपल्स देख सकते हैं, जैसे किसी भी स्पेसिफिक प्राणी का नाम, वस्तु का नाम, जगह का नाम, जैसे सनावद, सनावद ये क्या है, एक टाउन का नाम है, इस एक स्पेसिफिक टाउन है उसका नाम है सनावद, तो क्या हो गया एक प्रॉपर नाउन। ओके गाइस, तो चलिए अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट नाउन के टाइप के बारे में, वो दोस्तों कॉमन नाउन। क्या है? कॉमन नाउन। और कॉमन नाउन क्या डिनोट करता है? कॉमन नाउन बताता है क्लास, बताता है क्लास, जाति। क्या बताता है कॉमन नाउन? जाति बताता है, किसी भी प्राणी, वस्तु या जगह की जाति बताता है कॉमन नाउन। इसकी डेफिनेशन देखते हैं यहाँ पर, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा की डेफिनेशन। जातिवाचक संज्ञा किसी भी प्राणी, जगह, वस्तु की जाति के बारे में बताती है। जो जातिवाचक संज्ञा है दोस्तों, वो किसी भी प्राणी, वस्तु या व्यक्ति या किसी जगह की जाति के बारे में बताती है। जाति जैसे मान लीजिए ये एक लाल मार्कर है और ये एक काला मार्कर है, इन दोनों की जाति क्या है दोस्तों, ये क्या है, ये मार्कर है। इन दोनों की जाति क्या है, इनकी क्लास क्या है, ये मार्कर है। तो ये दोस्तों मार्कर क्या होगा, ये कौन सा नाउन हो गया मार्कर, एक कॉमन नाउन हो गया, मतलब जातिवाचक संज्ञा। इस तरह से एक और एग्जांपल देखिए, राम और मोहन, जैसे ये कोई राम है और ये कोई मोहन है, इन दोनों में समानता क्या है, ये दोनों क्या है दोस्तों, बॉय, ये क्या है, बॉय। तो बॉय कौन सा नाउन हो गया दोस्तों आपका, ये हो गया कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि उन दोनों में समानता क्या है, क्योंकि दोनों लड़के हैं। अगला एग्जांपल देखिए, दीक्षा और राहुल, दीक्षा क्या है, एक लड़की है, राहुल कौन है, राहुल एक लड़का है, बट इन दोनों में समानता क्या है, इनकी क्लास क्या है, ये क्या है दोस्तों, ह्यूमन है, क्या है, ह्यूमन है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, एमपी, राजस्थान और गुजरात, ये तीनों क्या है दोस्तों, ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स है, ये तीनों क्या है दोस्तों, स्टेट है। तो इनकी क्लास क्या हो गई, स्टेट। तो ये स्टेट क्या है दोस्तों, ये आपका कॉमन नाउन है। सपोज एक और एग्जांपल लेते हैं, किसी के पास आइडिया नोकिया का मोबाइल है और किसी के पास सैमसंग का मोबाइल है। अब इन दोनों मोबाइल में समानता क्या है दोस्तों, कि ये दोनों, इनकी जाति क्या है, इनकी क्लास क्या है, ये दोनों मोबाइल है। तो जब भी हमें किसी की क्लास के बारे में बताना हो, तो वो कौन सा नाउन रहेगा दोस्तों, आपका रहेगा कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। देखिए किसी के घर में दो फैंस लगे हुए हैं, फर्स्ट है उषा का फैन और दूसरा है फिलिप्स का फैन। अब इन दोनों में दोस्तों समानता क्या है, वो दोनों फैन हैं। तो फैन कौन सा नाउन हो गया आपका, कॉमन नाउन। आशा करते हैं आपको इनके बीच का कॉन्सेप्ट वो समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों मटेरियल नाउन के बारे में। मटेरियल नाउन, इसका हिंदी में मतलब होता है पदार्थवाचक संज्ञा। जो पदार्थवाचक संज्ञा का मतलब होता है दोस्तों, किसी भी पदार्थ का नाम, जैसे सोना, सोना, गोल्ड, सिल्वर, चांदी, एयर, हवा, पेट्रोल, पेट्रोल, पेट्रोल भी दोस्तों एक पदार्थ है, वाटर, वाटर भी एक पदार्थ है, ग्लास, ग्लास भी एक पदार्थ है, सीमेंट, सीमेंट भी क्या है दोस्तों, एक पदार्थ है। सीमेंट को किसने बनाया, मानव ने बनाया, तो ये भी एक पदार्थ है। कर्ड, दही, देखिए दोस्तों दही भी एक ह्यूमन मेड मटेरियल है। कैसे, गाय तो केवल दूध देती है, दूध के माध्यम से दही हम उसे बनाते हैं, तो दही कौन सा नाउन हो गया दोस्तों, मटेरियल नाउन। नेक्स्ट आपका मिल्क, मिल्क भी एक मटेरियल नाउन है। फिर उसके बाद में आता है स्टोन, पत्थर, पत्थर भी एक मटेरियल नाउन है, क्योंकि ये एक मटेरियल नाउन है।
तो इस तरह से जो भी मटेरियल है, किसी भी पदार्थ का नाम, किसी भी पदार्थ का नाम क्या है दोस्तों? एक मटेरियल नाउन। और हाँ, ये सारी जो चीजें हैं दोस्तों, ये आपकी प्रॉपर नाउन भी है। हम बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का हिंदी मतलब होता है भाववाचक संज्ञा। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। भाववाचक संज्ञा वो होती है, भाववाचक संज्ञा वो होती है जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, केवल उसे महसूस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? केवल उसे हम महसूस कर सकते हैं। तो देखिए, एग्जाम्पल से आपको अच्छा क्लियर होगा। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप मुझे कहे कि लीजिए सर ये ऑनेस्टी, इसे आप रख लीजिए। तो ऑनेस्टी कोई ऐसी चीज नहीं जिसे आप मुझे दें, ना मैं उसे सुन सकता हूँ, ना मैं उसे छू सकता हूँ, और ना ही मैं उसे देख सकता हूँ। केवल क्या कर सकते हैं? उसे महसूस कर सकते हैं कि हाँ, ऑनेस्टी, ईमानदारी, केवल ऑनेस्टी को हम महसूस कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, लव, प्यार। प्यार ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसे आप कहें कि लीजिए सर प्यार, ना ही, ना हम प्यार को देख सकते हैं, ना उसे छू सकते हैं, और ना उसे सुन सकते हैं, केवल उसे महसूस कर सकते हैं। केवल उसे हम महसूस कर सकते हैं। वी कैन से दैट यू हैव अ लव, यू हैव अ लव टुवर्ड्स मी, इस तरह से। नेक्स्ट, घृणा, हेट। घृणा को भी दोस्तों हम छू भी नहीं सकते, देख भी नहीं सकते, और सुन भी नहीं सकते, केवल हम घृणा को महसूस कर सकते हैं कि यू हेट मी, ओके। नेक्स्ट, टाइम, वक्त। वक्त को हम देख नहीं सकते, ना ही उसे हम छू सकते हैं, केवल उसे हम फील कर सकते हैं। अभी देखिए दोस्तों, टाइम पास हो रहा है, गुजर रहा है, लेकिन हमें महसूस, केवल महसूस हो रहा है, ना उसे हम देख सकते हैं और ना ही उसे छू सकते हैं। तो ये रहा हमारा कौन सा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फीलिंग्स, भावनाएं। भावनाओं को हम देख भी नहीं सकते, छू भी नहीं सकते, केवल उन्हें महसूस कर सकते हैं। थिंकिंग, सोच, ना ही उसे देख सकते, ना ही उसे हम छू सकते हैं, केवल उसे महसूस कर सकते हैं। अब बात आती है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश, ये सब्जेक्ट जो, ये मैथमेटिक्स ये सब्जेक्ट आते हैं, ये कौन से नाउन हैं? तो देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं कि जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट हैं, ये कौन सा नाउन है। तो अगर आप मैथमेटिक्स को एज अ सब्जेक्ट ट्रीट करें, तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। मान लीजिए आप कहें कि आई लाइक मैथमेटिक्स, आई लाइक मैथमेटिक्स, तो इसमें जो मैथमेटिक है वो कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्यों? क्योंकि अब वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप कह दे कि ये मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक क्या है? एक सब्जेक्ट का नाम है। मैथमेटिक्स को आप देख नहीं सकते, मैथमेटिक्स को आप देख नहीं सकते, उसे आप सुन भी नहीं सकते, केवल उसे आप महसूस कर सकते कि हाँ, एक सब्जेक्ट का नाम है मैथमेटिक्स। हाँ, अगर अगर एक बुक रखी हो, एक बुक रखी हो, और उसमें अगर सवाल लिखे हो, और फिर कहे कि तुम क्या कर रहे हो, तब आप कहें कि मैं मैथमेटिक्स सॉल्व कर रहा हूँ, हाँ, तब वो एक नाउन है, तब हम उसे देख सकते हैं, तब हम उसे छू भी सकते हैं। तो वो उस टाइम पर क्या रहेगा? वो हमारा रहेगा प्रॉपर नाउन। क्या रहेगा वो? प्रॉपर नाउन, क्योंकि वो एक सब्जेक्ट का नाम है। तो जब आप मैथमेटिक्स के सवाल हल कर रहे हैं, तब जाकर आप कह सकते हैं कि हाँ, मैं देख सकता हूँ मैथमेटिक्स को। उस टाइम पर ये आपका जो मैथमेटिक्स है वो एक प्रॉपर नाउन रहेगा। और अगर आप ऐसे ही बात करें, ऐसे सब्जेक्ट से ट्रीट करें, तब ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन रहेगा। आई होप आपको मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। तो दोस्तों, ये थे हमारे नाउन के टाइप्स। सबसे पहले हमने देखा था प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी भी प्राणी, वस्तु, व्यक्ति का नाम। उसके बाद में हमने देखा था कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का मतलब होता है दोस्तों जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन का मतलब क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा। जो कॉमन नाउन होता है वो क्या बताता है? किसी भी किसी भी प्राणी, जगह, वस्तु की जाति के बारे में बताता है, उसकी क्लास के बारे में बताता है। उसके बाद हमने देखा था कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का हिंदी मतलब क्या होता है? समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा क्या बताता है? किसी भी प्राणी के, वस्तु के, जगह के, ग्रुप के बारे में बताता है। फिर उसके बाद हमने देखा था हमारा मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या बताता है? मटेरियल नाउन बताता है दोस्तों किसी भी पदार्थ, किसी भी पदार्थ, किसी भी पदार्थ का नाम, मटेरियल नाउन ये बताता है। फिर लास्ट में हमने देखा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या बताता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये बताता है कि भावनाओं को बताता है, फीलिंग्स को बताता है, ऐसी चीज जिसे हम छू भी नहीं सकते, देख भी नहीं सकते,
तो ऐसी चीज़ों को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में रखते हैं। आई होप नाउन के सारे डाउट्स आपको क्लियर हो चुके होंगे। अगर अभी भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, हम उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। सो दैट्स इनफ फॉर टुडे गाइस, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।